Hello everyone, I welcome you all to today's class. In today's class we will try to see what is equilibrium constant, what is acid dissociation constant, and what is pKa, that is negative logarithm of acid dissociation constant. I'm Shell, your educator on CSIR NET life science category. Let's proceed with the video. You are watching me on YouTube channel Unacademy CSIR NET. Please subscribe to the channel, like and share the video so that you can get the notifications easily. There is a price hike alert at Unacademy, that is if you download the Unacademy learners app and use the code SHELLK10, then you can get all the free products easily. You can get the access to all the free products, which are special classes and tests or quiz. So हमारी ऐप पे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस होते हैं और टेस्ट और क्विज होते हैं जो आप अनलॉक कर सकते हैं इस कोड को यूज करने से. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन दो तरह का है, प्लस और आइकॉनिक. दोनों में डिफरेंस है कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा, और दोनों का कॉमन चीज ये है कि दोनों में आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. पूरे कोर्स को आपको खत्म कराया जाएगा स्ट्रक्चर्ड वे में एग्जाम से पहले, और नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा. आइकॉनिक में आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे एक्स्ट्रा, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा. अब देखते हैं कि इनके प्राइजेस क्या हैं. आइकॉनिक के प्राइजेस हैं 6 मंथ्स के लिए 18,000, 12 मंथ्स के लिए 26,000, 24 मंथ्स के लिए 45,000. प्लस के प्राइजेस है 1 मंथ के लिए 2,900, 3 मंथ्स के लिए 6,250, 6 मंथ्स के लिए 11,250, 12 मंथ्स के लिए 13,750, 24 मंथ्स के लिए 20,000. लेकिन ये प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, तो अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. इसके लिए भी आपको एक कोड यूज करना है SHELLK10. अगर आप वो यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आप ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स एंड अबव के सब्सक्रिप्शन के लिए. मतलब इन सब के लिए आप ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं, और आपको ईएमआई में पेमेंट करेंगे तो नो कॉस्ट ईएमआई होगा, हेजल फ्री होगा. चलिए अब शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से, विच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे रिवर्सिबल होने का मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में जाएगा. यहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. तो सारे रिएक्शन प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, इस तरह से नहीं होता है. हमेशा ऐसा नहीं होता है. एक ऐसा पॉइंट भी आता है इस दौरान जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम के दौरान में क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स बिकम कॉन्स्टेंट. मतलब इनके प्रोडक्ट, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और चेंज नहीं होता है. इट डज नॉट चेंज एट दैट पॉइंट. एट दैट पॉइंट द रिएक्शन एक बोल सकते हो फ्रीज हो जाता है. एक पॉइंट पे रिएक्शन जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट्स के हैं उसका कांस्टेंट होने का मतलब है, जैसे इसका समझ लीजिए 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो ये वही उतना ही रहेगा उस पॉइंट पे. मतलब ये 3 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, और 6 ही रहेगा. ये और चेंज नहीं होगा. इट वोंट चेंज, इट विल बी कॉन्स्टेंट. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक रेशियो से, जिसमें हम इनके कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं. तो बेसिकली एक रेशियो होता है जिसको बोला विच इज आवर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. के इक्विलिब्रियम इज अवर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और ये हमको बताने में हेल्प करता है कि इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है. कैसे? अगर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों से, मतलब प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड है ना उस पॉइंट पे. अगर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट से, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड है. तो ये हम पता कर सकते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं कैसे, एक रेशियो से. उस रेशियो को कहा जाता है के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब देखते हैं के ए और पी के ए क्या है. जो के इक्विलिब्रियम है वही के ए है, लेकिन डिफरेंस ये है कि के ए सिर्फ एसिड्स के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ओ एच डिसोसिएट्स टू फॉर्म सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस. ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जहाँ पे एक वीक एसिड जो कि हमारा एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट करके क्या बना रहा है, एसिटेट आयन बना रहा है, एंड
प्रोटॉन बना रहा है या हाइड्रोजन आयन बना रहा है। ये जो वीक एसिड है इसका ये एसिटेट आयन इज द स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये उसका कंजुगेट बेस हुआ ना। जैसे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कंजुगेट बेस होगा ये क्लोराइड आयन, तो ये कंजुगेट बेस वीक होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी एसिड का डिसोसिएशन का रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल होता है, उस रिएक्शन का अगर हमें के इक्विलिब्रियम निकालना हो तो क्या होगा, H प्लस सी एल माइनस बाय एच सी एल, है ना। यही के इक्विलिब्रियम को हम के ए लिखते हैं, बस यही यही है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो व्हाट इज के ए, के ए इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज सिमिलर टू के इक्विलिब्रियम फॉर अ नॉर्मल, ये के इक्विलिब्रियम नॉर्मल रिएक्शन के लिए, लेकिन के ए जो है दैट इज फॉर एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन। तो के ए इज अवर एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट विच रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एज वेल एज द रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन वेयर एन एसिड इज डिसोसिएटिंग टू फॉर्म प्रोटॉन एज वेल एज द एसिड कंजुगेट बेस। ओके नाउ अब देखिए, अगर के ए है हमारा एच प्लस एंड सी एल माइनस बाय सी एच बाय एच सी एल, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब के ए इज ग्रेटर देन वन, के ए इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी इससे। इफ के ए इज ग्रेटर देन वन दैट मीन्स एच प्लस आयन ज़्यादा बन रहा है, मतलब एच प्लस आयन ईजिली बन रहा है उस पॉइंट पे, एच प्लस आयन बना हुआ है ज़्यादा उस पॉइंट पे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। यही अगर के ए की वैल्यू लेस देन वन है, मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा है ना कि एच प्लस का उस पॉइंट पे, तो उसको कहेंगे हम वीक एसिड, मतलब वो एसिड इतनी आसानी से नहीं टूट रहा है। अगर के ए ज्यादा है मतलब ग्रेटर देन वन है, मतलब वो आसानी से एसिड टूट रहा है, यही है के ए का इंपॉर्टेंस। अब हर एसिड का एक पी के ए वैल्यू होता है, एक लिस्ट होता है, तो पी के ए क्या है वो देखना पड़ेगा। जैसे हमारा पी एच है माइनस लॉग एच प्लस, वैसे ही पी के ए है माइनस लॉग के ए, मतलब पी के ए क्या है, इट इज नेगेटिव लोगारिथम ऑफ के ए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि समझ लीजिए एच सी एच थ्री सी ओ एच एक एसिड है, इसका एक पी के ए वैल्यू होगा विच विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कभी वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें ये दिखाता है कि ये एसिड स्ट्रांग है या वीक है, ये आसानी से टूटेगा या नहीं टूटेगा, पी के ए वैल्यू या के ए वैल्यू हमें यही दिखाएगा। अब यही एसिड को हमने दो सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे समझ लीजिए वाटर लिया हाफ और एसिड लिया हाफ, यहाँ पे वाटर लिया समझ लीजिए 3/4 और एसिड लिया 1/4। ये जो सॉल्यूशन है इसका जो पीएच होगा, इसमें जो पीएच होगा वो, इसमें एसिड कम है तो मतलब सॉरी इसका एसिड हाफ है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1/4 है, तो किसमें पीएच का वैल्यू का क्या असर होगा, पीएच क्या है माइनस लॉग एच प्लस, जो हमें पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन बता रहा है एक सॉल्यूशन में, तो यहाँ का पीएच ऑफकोर्स इससे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एसिड है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसमें ज्यादा एच प्लस डिसोसिएट किया होगा, इसमें कम डिसोसिएट किया होगा, आ रहा है समझ में आप। तो पीएच जो है वो चेंज होता रहता है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का, या बोल सकते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड उसका जो पीएच है इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड यूज टू मेक दैट सॉल्यूशन। पीएच ऑफ एसिडिक एसिड will be is different from pKa of acetic acid, ये आप दिमाग में रखिएगा, इससे confuse नहीं होइएगा। मतलब pH जो है वो depend करता है concentration पे कि कितना लिया गया है acid वो solution बनाने के लिए, लेकिन pKa वो हमेशा constant है क्योंकि CH3COH का जो behavior है वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा कि वो कितना dissociate कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से pKa और Ka का समझ में आया, पीएच भी समझ में आया। अब अगर के ए ग्रेटर देन वन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, के ए लेस देन वन है तो वीक एसिड है ना।
पीके तो के का अपोजिट है क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम है, तो पीके अगर लेस देन वन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और पीके अगर ग्रेटर देन वन होगा तो वीक एसिड होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द पीकेए ऑफ ए सब्सटेंस, इफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द पीएच ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्वड इन दैट सॉल्यूशन, देन दैट सब्सटेंस या दैट मॉलिक्यूल विल बी प्रोटोनेटेड। इफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच दैट सब्सटेंस या दैट मॉलिक्यूल या दैट थिंग इज डिसॉल्वड, दैट सब्सटेंस इज डिसॉल्वड इज लेस देन द पीकेए ऑफ द सब्सटेंस, देन दैट सब्सटेंस विल बी डी प्रोटोनेटेड। ठीक है, इस तरह से आपको पीएच और पीकेए का भी रिलेशन पता चल जाएगा। उसके बाद एक और बात रह गई, जैसे कि HCl है, ये डिसोसिएट किया H प्लस में और Cl माइनस में, तो ये क्या है, हमारा कंजुगेट बेस है। ठीक है, तो ये कंजुगेट बेस के बारे में भी हम पता कर सकते हैं इसके पीकेए की वैल्यू से। ये जो पीकेए है HCl का, ये क्या है, इसका इसका एसिडिटी दिखा रहा है, ये कितना आसानी से टूट सकता है। अगर ये पता है तो हमें ये भी पता चल जाएगा, ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा। इस तरह से हम बेस का भी निकाल सकते हैं एज कम्पेयर एसिड को देख के। ठीक है, कंजुगेट बेस का। आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन तो पता होगा, जैसे कि आर एन एच है, ये अगर प्रोटोनेट हुआ तो क्या होगा, आर एन एच एच एच, एक एक्स्ट्रा प्रोटोन ऐड हो गया। उसी तरह से आर सी ओ एच अगर डी प्रोटोनेट होगा, मतलब क्या है, आर सी ओ माइनस बन जाएगा, एच प्लस निकल गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एक और बात याद रखेंगे, अगर एक एसिड प्रोटोनेट होगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर एक एसिड डी प्रोटोनेट होगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया जाए, उस सब्सटेंस का पीकेए वैल्यू दिया जाए और आपको बोला जाए वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है पता करने के लिए। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के, इसको ध्यान में रख के प्रोटोनेट और डी प्रोटोनेट आप सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। देन एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो देखिए, यहाँ पे एच आई मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, उसका के ए का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक वीक एसिड है, यहाँ पे उसका के ए का वैल्यू, यहाँ पे एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, उसका के ए का वैल्यू, तो के ए इस तरह से निकालते हैं प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का के और पी एच पी के। अच्छा, पी के ए का ना एक लिस्ट होता है, देखिए यहाँ पे अगर पी के ए नेगेटिव में जा रहा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर पी के ए पॉजिटिव में है मतलब वीक है। जैसे माइनस 10 अगर है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बट वहीं पे 50 अगर हो जाएगा दैट इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से पी के ए का लिस्ट होता है, इसका रीजन मैं समझा चुकी हूँ, पी के ए का एक लिस्ट होता है जो कि देखने से आपको पता चल जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो इस तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस फॉर स्टिपुलेटेड टाइम में देने की कोशिश की, इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।